गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया दिन, संडे और नया मैच। अभी हम हैं स्पोर्ट्स, नहीं ये कौन सा ग्राउंड है, स्टार ओवल सॉरी। और ग्राउंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ग्राउंड। ये हमारे आज के अंपायर भाई हैं हर्षित, और देख सकते हैं अभी आप ग्राउंड कुछ ऐसा ग्राउंड है। और हमें टॉस हार चुके हैं हम, और फील्ड फर्स्ट है हमारी, विपक्षी टीम ने बैटिंग करने का फैसला लिया है। और ग्राउंड की डायमेंशन ज़्यादा नहीं है तो हमें रोकना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। वैसे देखते हैं कि कैसा रहता है आज का मैच। यस, आई एम द कीपर ऑफ द मैच, पंकज खाटी हमारे दूसरे कीपर रहेंगे। प्राइमरी कीपर मैं, सेकेंडरी कीपर ये। नहीं तो सेम स्ट्रेटजी रहेगी, अच्छी बॉलिंग करनी है, अच्छी गेम खेलनी, टीम को जिताना है मेन फोकस। प्लानिंग कोई हमारे कैप्टन की, छोटा ग्राउंड है, जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश करेंगे 150 से कम में, बस यही प्लान है अभी के लिए तो। और ये पहली बॉल फेंकने वाली है, शानदार, अच्छा क्षेत्र रक्षण मनीष कुंडलिया द्वारा। अगली गेंद बॉलर, ओहो अच्छा डिफेंस। अगली बॉल, ओ कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर हुए, और ये घुमा दिया है ऑफ साइड पे, बाउंड्री लाइन पर चौका। और ये धारदार बॉलिंग के साथ इन्होंने पहली बॉल पे ही विकेट उखाड़ दी है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया बोल्ड मारा है, बहुत अच्छे। आप देख सकते हैं क्या क्या सेलिब्रेशन हो रहा है पहली विकेट के पतन के साथ। अरे निरंजन सर, भाई वही वाले अपने भाई है, अपने वाले गोली बॉल। ओहो पहली बॉल, ओहो ओहो बोल्ड, बैट्समैन के पैर से लग के अंदर विकेट में लग गई है, और यहां ओवर की समाप्ति, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह बॉलिंग करा रहे हैं मनीष जैन, अगली बॉल, और ये खेल दिया है, क्षेत्र रक्षक मौजूद, लेट थ्रो आया। अरे बहुत बढ़िया बॉलिंग, अरे बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बहुत बढ़िया बॉल, और ये विकेट खोना पड़ा बैट्समैन को अपना, बहुत ही अच्छी विकेट, चारों खाने चित हुए बैट्समैन। बॉल, कोई जवाब नहीं था इस बॉल का, और ये कैच ड्रॉप, बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अच्छी बॉल, काफी अच्छी विकेट, बैट्समैन को समझ नहीं आया, चौथा झटका लगा। और ये घुमा दिया है थर्ड मैन बाउंड्री के पास, 4 रन।
9 ओवर समाप्ति के बाद 45 रन 4 विकेट। 9 बॉलर आज यूज हुए हैं हमारे, आखिरी बॉल है और उसको फुल टॉस में कन्वर्ट किया और ये बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया बॉल और फिर से कैच के लिए, इस बार भी कैच छोड़ दिया मैंने और ये दूसरा कैच लगातार छूटता हुआ। देखते हैं फ्री हिट का क्या फायदा उठाती है बैट्समैन और ये फुल टॉस दे दिया फ्री हिट पे और ये 6 रन के लिए बहुत शानदार फ्लिक, 6 रन फ्री हिट का पूरा फायदा, साथ में उनको फुल टॉस मिली और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। स्कोर में इजाफा होता हुआ 95 रन स्कोर पहुंच चुके हैं यहाँ पे और अगली गेंद लेकर के अपने तैयार। बहुत बढ़िया बॉल और फिर से शानदार शॉट है, ये भी बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और ये बहुत सुंदर और ये फिर से बहुत बढ़िया शॉट है, गेंद लग रहा है बाउंड्री बाहर लाइन के बाहर जाएगी लेकिन नहीं गई, अरे गई और ये 4 रन यहाँ पे फिर से हुआ है। सामने वाली टीम अब लग रहा है 160 क्रॉस कर लेगी स्कोर, अभी के हिसाब से तो दिखता है। ये रे बोल्ड बोल्ड बोल्ड, बहुत बढ़िया। ओह अंपायर यहां पे देखते हैं, नॉट आउट दिया अंपायर ने। फिर से वही बॉल, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं निरंजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे फील्ड चेंज कराई है, वापस से अभय को बुलाया है ऑफ साइड में और ये शॉट है और ये शॉट क्या है, बहुत ही लवली शॉट है, ये गेंद बाउंड्री लेकर के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। बॉलिंग बहुत ही सही है, बिल्कुल छोटा रन है, सटीक बॉल गेंदबाजी लाइन पे आराम से। और ये हितेश वहाँ पे थे, पकड़ सकते थे, अगर वहाँ पे चमोली होते तो ये बॉल पकड़ा जाता। ये 4 रन, इसी के साथ स्कोर में कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है। बहुत छोटा रन है उनका और ये फुल टॉस मिल गई है और ये बाउंड्री मिलेगी इस पे, फुल टॉस मिली थी 4 रन। चमोली ने शानदार बोल, पहली गेंद आखिरी ओवर की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करा रहे हैं यहाँ पे। आखिरी क्षणों में फिर से वापस उनको बैटिंग करने आना पड़ा है, देखते हैं क्या करते हैं। चौथी गेंद लेकर के निरंजन हाजिर हैं और ये वाइट के साथ एक्स्ट्रा के 4 रन और मिलते हुए स्कोर में इजाफा होता हुआ 5 रन का। मैच की पहली गेंद फेंकी जानी है, 147 का टारगेट दिया है हमें पक्षी टीम ने और देखते हैं अभी स्ट्राइक पे हैं अभिषेक भाई और नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पे हैं जैन साहब। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच, सेकंड इनिंग की पहली गेंद फेंकी जानी बाकी है, देखते हैं क्या करते हैं अभिषेक भाई। लंबी गेंद, आसानी से उसको केवल सीधे हाथों से। सेकंड बॉल, आसानी से सिंगल रन। तीसरी बॉल इस ओवर में, जैन साहब सामना करेंगे, सीधे हाथों से खेला, मात्र 1 रन। चौथी गेंद इस ओवर में, सीधे हाथों से खेला, आसानी से सिंगल रन चला लिया। फिर से इस ओवर में नितिन अभिषेक भाई सामना करेंगे और ये बहुत ही अच्छा ड्राइव, कवर ड्राइव, वहाँ पे फील्डर दूर छोर पे मिस फील्ड, वहाँ पे 2 रन आसानी से खींच लिए जाएंगे और वहाँ पे बहुत ही बुरी आउटफील्ड जिसके चलते 4 रन रोक दिए गए, 2 रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे बल्लेबाज। इस ओवर में अगली बार नितिन सामना करेंगे अभिषेक भाई, वाइड गेंद का इशारा संभवतः सामना कर रहे हैं और एक शानदार फ्लेक, यहाँ पे फील्डर अवेलेबल हैं, 1 रन मात्र संतोष करना पड़ेगा। 10 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति पे, जैन साहब सामना करेंगे यहाँ पे तीसरे ओवर की दूसरी गेंद का और सीधी गेंद, जैन साहब ने सीधा मारा है इसको, वहाँ पे मात्र 1 ही रन मिल पाएगा। एक बार फिर यहाँ पे अभिषेक भाई सामना करेंगे तीसरी गेंद का इस ओवर में और ये आराम से एक सिंगल ले लिया है जैन साहब। एक बार फिर स्लोवर गेंद और इसको आसानी से 1 रन खेलना चाहते थे,
आज इसने बॉलर के रूप में और सामना करेंगे अबे बबलू भाई शानदार फ्लेक चार रन के लिए। आदेश की दूसरी गेंद सामना करेंगे यहाँ पे अभिषेक भाई शॉर्ट पिच गेंद और उसका वही हर्ष शानदार चार रन। आदेश तीसरी बार इस ओवर में आसानी से खेला उसे मात्र इस ओवर में अगली बार चौथी बार आदेश और एक बहुत ही शानदार फ्लेक चार रन चार गेंदों में तीन चौके आ चुके हैं। पांचवी बार आदेश और ये बहुत ही शानदार शॉट दो फील्डर के बीच में बॉल गिरी है और ये चार रन लास्ट गेंद इस ओवर की और इसे आसानी से ऐसे ऐसे एक रन रिस्की सिंगल। नितिन जोशी को लगाया गया है फिर से और देखते हैं इस बार अभिषेक भाई क्या कर पाते हैं। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और इसको दे मारा है सीधे चार रन के लिए। नितिन चले अपनी दूसरी गेंद लेकर इस ओवर में देखते हैं क्या करवाते हैं अभिषेक भाई दूसरी गेंद बारे बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव चार रन इस ओवर में तीसरी बार। नितिन काफी लंबा रन अप देखते हैं क्या कर पाते हैं अभिषेक भाई फिर से लंबी गेंद बहुत ही अच्छा स्टॉप इस ओवर में चौथी बार नितिन और ये बहुत ही आसान सा कैच और बबलू भाई अपना विकेट गवा बैठे हैं यहाँ पे इसी ओवर में लॉफ्ट करना चाहते थे शॉट। नितिन एक बार फिर से इस ओवर में देखते हैं क्या कर पाते डेबू के लिए बहुत ही अच्छी गेंद स्टॉप कर दिया इसको। इस ओवर में अंतिम गेंद देवेंद्र सामना करेंगे और जाने दिया उस गेंद को बहुत अच्छी गेंद। पावर प्ले की समाप्ति पे स्कोर 45 रन सातवें ओवर यहाँ पर गति पे वाइड गेंद पहली गेंद दूसरी गेंद इस ओवर में और ये बहुत ही अच्छा फ्लिक जेंस है आपका चार रन। अगली गेंद इस ओवर में लंबी गेंद इस ओवर में तीसरी गेंद लेकर और जैन साहब मानना चाहते थे इसको कहीं और गेंद गई गई क्यों जैन साहब एक और बार फिर से देखते हैं सामना कर पाएंगे या कहीं और कहीं निगाहें कहीं और निशाना 48 रन हो चुके हैं लास्ट गेंद इस ओवर में शॉर्ट पिच गेंद वाइड गेंद संभवतः वाइड गेंद लास्ट गेंद इस ओवर में फिर से एक बार और जैन साहब इसको सीधे हाथों से खेला मात्र एक रन के लिए दो की कॉल है यहाँ पे देखते हैं सात ओवर में 51 रन आठवां ओवर पर गति पे फुल टॉस गेंद जैन साहब ने उसको उठा दिया है बाउंड्री की तरफ दो रन आसानी से मिल जाएंगे वहां पे देवेंद्र सामना करेंगे यहाँ पे तीसरी गेंद का इस ओवर में और यहाँ पे उठा के फेंका बहुत ही अच्छा कैच आउट। देवेंद्र का विकेट खोने के बाद अब मैं गया सेकंड राउंड और पिछली फॉर्म अच्छी चल रही है तो आते ही रन मिलने शुरू हो गए। ओवर की देखते क्या करता है निरंजन और ये फुल टॉस नो बॉल भी होगी साथ में छह रन यहाँ पे हुआ हल्का फुल्का सा विवाद फ्री हिट में स्टंपिंग को लेके पत्ती रेसे मामला सुलझ गया। और ये दूसरा रन भाग सकते हैं यहाँ पे ये नो बॉल भी होगी साथ में नो बॉल भी और अब आ गया था हमारा आज का सुपरस्टार अनिल मैन ऑफ द मैच बहुत ही अच्छी एग्रेसिव पारी खेली अनिल ने और लगातार रनों की गति को बढ़ाता रहा। क्या करते हैं बहुत बढ़िया रन है फॉर फुल टॉस बॉल फिर से मिली है और ये लगता है बॉल सी मारेगा कि बाहर चार रन फिर से बॉल फ्लो में और ये फिर बाउंड्री लाइन के बाहर फिर से छह रन क्या करते हैं फिर से बॉल गई है फिर वहां फिर से चार रन बॉल फिर लैंड की फिर बॉल बाहर है इस बार तो सीधे छह रनों के लिए
क्या कर रहे हैं अनिल, समझ में नहीं आ रहा। इसी ओवर में मैच खत्म करना चाहते हैं। अनिल क्या करते हैं, इस बॉल पे फिर से पटक के मिली अनिल को और ये बॉल जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कैप्टन साहब दूसरे प्लेयर के लिए और ये बहुत शानदार फिनिश। देखते हैं इस बार रन आउट का पूरा पूरा चांस था और बच गए हैं। मात्र 3 रन चाहिए इस बॉल पे, क्या करते हैं देखते हैं। और ये ऑफ साइड में शॉट खेला है बिल्कुल प्लेयर के हाथों में और ये आउट। 47 रन पे आउट होके वापस जा रहे हैं। विंटेज कलेक्शन से घर पे बहुत शॉट खेले इन्होंने बॉल टांग के। देखते हैं यहाँ पे कितना टांगते हैं। इनका एक ही मोटिव रहता है, कीपिंग करना और उसके बाद एक ओवर खेलना। और ये निरंजन ने इसी के साथ बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया, बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार और ये घुमा दिया है बॉल को और ये बॉल गई सीधे सीमा रेखा की तरफ और 4 रन। इसी के साथ मैच की समाप्ति की घोषणा की जाती है और हम यहाँ पे मैच जीत चुके हैं। और विष्णु से राय लेंगे। विष्णु आप कैसा, ये मैच कैसा लगा आपको? मैच तो बहुत बढ़िया था, बस बारी नहीं आई यार। पंकज ने विनिंग शॉट खेला है यहाँ पे। विष्णु भैया की रोहित जैन थोड़ा सा एक आध शॉट खेल के आए थे लेकिन आज सुस्त नजर कर रहे थे। बहुत बढ़िया अंपायरिंग का नजारा है यहाँ पे। और देखें अब मैच खत्म हो चुका है और ये निरंजन आएंगे यहाँ पे एंड करने के लिए। सो फाइनली हम लोग जीत चुके हैं और एक हार के बाद दूसरी जीत अच्छी लग रही है और उसका सेहरा जाता है ये अनिल को। अनिल को बहुत ही अच्छी 48 रन मारे जैन साहब, बहुत ही अच्छी बैटिंग दी और यहाँ पे अभिषेक भाई बहुत ही अच्छी बैटिंग शुरू से ही। सो लास्ट में विनिंग शॉट पंकज का आया था, इसको लोगों ने जोशी की कसम दी थी। अरे यार तो ये मैच यहीं पे एंड करते हैं और यही ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं और मिलता हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।